अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपकी सैलरी पर असर पड़ सकता है। दिल्ली के किन किन बाजारों में गिरी कोरोना नियमों की अनदेखी की गाज, क्यों टीचर्स के सामने आ गई है घर परिवार चलाने की मुश्किलें, देखते हैं टॉप टाइम कोरोना से जंग में ये बड़ी खबरें। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 42,751 नए केस आए हैं, वहीं एक दिन में 51,775 मरीज रिकवर हो गए। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस अब 4,80,000 रह गए हैं, जबकि 24 घंटे में महामारी ने 932 लोगों की जान ले ली। दिल्ली में कोरोना नियमों की अनदेखी करने पर गांधीनगर मार्केट और नांगलोई के बाजारों में कार्रवाई की गई है। गांधीनगर मार्केट की 12 दुकानों को 12 जुलाई तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इन दुकानों पर कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी का आरोप है। वहीं नांगलोई के दो बाजारों पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को भी कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का फैसला केजरीवाल सरकार ने किया है। यह मदद मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के जरिए दी जाएगी। ऐसे पीड़ित परिवारों की जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली सरकार ने 100 अफसरों की एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। दिल्ली और यूपी में कोरोना के मामले और भी घटे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 86 और यूपी में 111 नए केस आए हैं। इसके बाद राजधानी में एक्टिव केस घटकर 1016 और यूपी में 2461 रह गए हैं। इस बीच महामारी से दिल्ली में 5 और यूपी में 6 मौतें एक दिन में हुई हैं। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुंबई महानगर पालिका ने कई अस्पतालों में हवा से मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं। इस योजना के तहत 5 अस्पतालों के प्लांट में ऑक्सीजन जनरेशन का काम शुरू भी हो गया है। इन 5 ऑक्सीजन प्लांट से 6.93 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट होगा। आने वाले दिनों में इस तरह के प्लांट अन्य अस्पतालों में भी लगाए जाएंगे। गोवा सरकार कल से टीका उत्सव 1.2 लॉन्च करने जा रही है। इस उत्सव का उद्देश्य ऐसे लोगों को टीके की दूसरी डोज दिलाना है जिन्होंने अपनी पहली डोज के बाद 84 दिन की अवधि पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी देते हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन उनकी सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना ने कई परिवारों को बड़े बुरे दिन दिखाए हैं। भुवनेश्वर के ग्रेजुएट टीचर स्मृति रेखा बरुआ परिवार चलाने के लिए सफाई कर्मी का काम करने पर मजबूर हैं, जबकि कोविड काल से पहले वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ प्राइवेट ट्यूशन देकर अच्छी कमाई कर रही थीं। लेकिन कोरोना ने उनकी आय के दोनों ही जरियों को छीन लिया। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और वैक्सीन नहीं लगवाई है तो इसका असर आपकी सैलरी और प्रमोशन पर पड़ सकता है। कई प्राइवेट कंपनियां अब ऐसे स्टाफ को तरजीह दे रही हैं जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जबकि वैक्सीन न लेने वाले स्टाफ को ये कंपनियां ऑफिस बुलाने से भी बच रही हैं। जाहिर है इसका सीधा और बुरा असर वैक्सीन न लेने वालों के करियर पर पड़ने की आशंका बन गई है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बाबा रामदेव की याचिका का विरोध किया है। अर्जी में कहा गया है कि बाबा रामदेव को कोई भी राहत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने एलोपैथी की छवि इसलिए खराब की ताकि वो अपनी दवा कोरोनिल को प्रमोट कर सकें। दरअसल बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एलोपैथी को लेकर दिए गए उनके बयान पर जो FIR अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई है उस पर रोक की मांग की है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।